पुलिस ने दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में की कामयाबी हासिल। 40 लाख के सोने, लाइसेंसी रिवॉल्वर सहित दबोचा। बुधवार की देर शाम पुलिस अधीक्षक के आदेश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत अफजलगढ़ कलागढ़ रोड स्थित पीडब्ल्यूडी भवन के समीप से पुलिस ने चेकिंग पैदल गश्त के दौरान दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के पास से 40 लाख रुपए के सोने के बिस्किट भी बरामद किए, एक रिवॉल्वर, एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया। पुलिस ने दोनों बदमाशों के खिलाफ आर्म्स एक्ट सहित संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। कोतवाल मनोज कुमार के अनुसार अभियुक्त हल्द्वानी उत्तराखंड और मेरठ के हैं। वही जिनके नाम लाइसेंसी रिवॉल्वर है उसके विरुद्ध भी मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जो कि फरीदाबाद निवासी है। दोनों गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायालय भेजा जा रहा है। नवभारत समाचार धामपुर जनपद बिजनौर से दिनेश कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। थाना अफजलगढ़ पुलिस ने दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, कुछ आभूषण और एक रिवॉल्वर बरामद हुआ है, क्या कहना है? कल लगभग 7:30 बजे अफजलगढ़ पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। उस चेकिंग के दौरान जब एक एंडेवर कार को चेक किया गया तो उसमें दो व्यक्ति सवार थे, जिनके पास से एक रिवॉल्वर .32 बोर की और करीब 675 ग्राम सोना प्राप्त हुआ। जब उसके बारे में जानकारी की गई तो रिवॉल्वर के बारे में जब पूछा गया तो जो व्यक्ति उसमें अब्दुल रहमान नाम का व्यक्ति था, उसके द्वारा बताया गया कि ये रिवॉल्वर उसके मित्र की है जो फरीदाबाद का रहने वाला है। ये गलत तरीके से उस रिवॉल्वर को लेकर चल रहा था, इसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है तथा इसके मित्र के विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की गई है, जिसने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर को इसे दी थी। जिस व्यक्ति पर सोना मिला है उस संबंध में सेल टैक्स विभाग को सूचित कर दिया गया है उसकी वैधता परखने के लिए कि वो सोना जो है वो स्मगलिंग करके लाया गया था या किसी अन्य प्रयोजन के लिए। जैसे ही संबंधित विभाग के द्वारा जांच करके उसमें विधि कार्रवाई के लिए तहरीर दी जाएगी, उसमें तत्काल जो भी उचित कार्रवाई है वो की जाएगी। जो मार्केट वैल्यू इस सोने की जो प्राप्त हुआ है बताई गई है वो लगभग 40 लाख रुपए बताई गई।